It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे मैं स्टडिंग करता हूँ, कैसे स्टार्ट करता हूँ स्टडिंग करने को। तो और सबसे पहले मैं आपको बताया था कि कैसे मैं ग्राइड पे ड्रॉ करता हूँ आउटलाइंस इजली, वो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया था, तो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया था। तो आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल पर। तो फेस पर स्टडिंग करने से पहले ये ध्यान देना होता है कि आपको जो टेक्सचर होती है फेस के, तो आपको एक ही स्ट्रोक में नहीं दिखेगी, तो आपको लेयर बाय लेयर आपको उसमें शेडिंग करनी होगी। तो उस पर ध्यान देना होगा कहाँ पर डार्क है कहाँ पर लाइट है, इस चीज़ पर ध्यान देना हो ताकि आपको रियलिस्टिक दिखे आपकी स्केच। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि आपको जो शेडिंग करते समय आप फेस पे, काफ़ी लोग होते हैं जो पेपर का यूज नहीं करते हैं, तो आपको पेपर का यूज करना है, क्योंकि अगर पेपर का यूज नहीं करते हैं तो ड्राइंग करते समय, शेडिंग करते समय आपके पेपर पे जो फेस पे जो कर रहे हैं ड्राइंग, उस पर आपके धब्बे आ सकते हैं हाथ के, या फिर आप चारकोल यूज कर रहे हैं या फिर ग्रेफाइट पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो उसके जो वेस्ट होते हैं वो हमारे हाथों में लग जाते हैं, तो वो आपको पेपर पर लगेंगे तो अच्छे नहीं दिखते हैं, तो उसे कारण हमें एडवेज करना पड़ता है, तो फिर से मेहनत करनी पड़ती है डबल। तो उस तरह अपना स्केच को बचा सकते हैं ड्राइंग को। और आप चाहें तो ब्लेंडिंग के लिए आप कॉटन का भी यूज कर सकते हैं या फिर ब्लेंडिंग स्टम्प का भी यूज कर सकते हैं। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप कॉटन का यूज कीजिए, मैं भी कॉटन का यूज करता हूँ, मैंने आज तक बाय भी नहीं किया है ब्लेंडिंग स्टम्प, तो वो काफ़ी महंगी मिलती है, तो वो एक तरह से एफर्ट नहीं कर पाते हैं बिगिनर्स, जो मैं भी नहीं करता हूँ, तो मुझे वो उतना कंफर्टेबल उसमें फील नहीं होता। मगर आप चाहो तो कॉटन से भी ट्राई कर सकते हैं, कॉटन से भी काफ़ी रियलिस्टिक आता है शेड, उससे भी बहुत अच्छी ब्लेंडिंग होती है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट भी यूज करते हैं कॉटन का ही। आप चाहो तो टीसी पेपर का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी ब्लेंडिंग होती है। ब्लेंडिंग करने को तो बहुत सारे टूल्स होते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पे कंफर्टेबल होते हैं, आप किस चीज़ पे आप इजली कर लेते हैं या फिर शेडिंग ब्लेंडिंग कर लेते हैं इजली। आप चाहो तो ब्रश का भी यूज कर सकते हैं, ब्रश से भी काफ़ी अच्छी रियलिस्टिक एकदम हाइपर रियलिस्टिक ब्लेंडिंग होती है।
तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को ये स्केच, जो कि मेरे बड़े भाई की स्केच है। तो इसके द्वारा मैंने आप लोगों को कुछ अपना नॉलेज शेयर किया, जो मैंने एक्सपीरियंस ऑप्ट किया अभी तक मैंने, तो मैंने आप लोगों से शेयर किया हूँ। तो ये मैं स्केच अपने भाई को उसके बर्थडे पर गिफ्ट करने वाला हूँ। एंड गाइस, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को।